बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारा दौरे की। तो पशु पक्षी अस्पताल का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निरीक्षण किया। पशु पक्षी अस्पताल के सीएम गहलोत ने सराहना की। अस्पताल में 24 घंटे हो सकेगा पशु पक्षियों का उपचार। 10 एम्बुलेंस की सहायता से घायल पशु पक्षियों को लाया जाएगा अस्पताल। 14 जनवरी से पशु पक्षियों का शुरू हो सकेगा अस्पताल। तो वहीं प्रदेश का पहला उच्च तकनीक से करीब 60 बीघा में बना है यह अस्पताल। प्रशासनिक भवन, आगंतुक सभा कक्ष, हॉस्पिटल भवन, ऑपरेशन थिएटर, पशु पक्षियों के अलग अलग वार्ड, पक्षियों का चुग्गा घर, गौशाला, 3 बड़े हॉल समेत अन्य सुविधाओं से युक्त है अस्पताल। मंत्री प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल और पानाचंद मेघवाल भी रहे साथ। प्रदेश की गहलोत सरकार ने खोला है राहतों का पिटारा। छोटे शहरों के छोटे भूखंडधारियों के लिए खोला है पिटारा। 120 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए देनी होगी राशि। पट्टा लेने के लिए महज 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर ही देने होंगे। तो वहीं UDHLSG ने इस बारे में जारी की है अधिसूचना। प्रशासन शहरों के संग अभियान में मिलेगी ये राहत। नगर पालिका वाले शहरों के भूखंडधारियों को दी है ये राहत। नगर पालिका के गठन से पहले कॉलोनी बस चुकी है, वहाँ मास्टर प्लान लागू होने से पहले बस चुकी है। तो जो भी पहले हुआ वो मानी जाएगी कट ऑफ डेट। इस डेट से पहले बसी कॉलोनियों को मिलेगा फायदा। 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर पर पट्टा मिलने का मिलेगा फायदा। तो आज अन्नपूर्णा नगरी 12 के लिए सौगातों का दिन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 को दी है कई सौगातें। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को किया है सम्मानित। जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाया, अशोक चांदना, मंत्री भजन लाल जाटव, जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया, विधायक पानाचंद मेघवाल, निर्मला सहरिया समेत कई नेता रहे मौजूद। DGP ML लाठर आज हुए सेवानिवृत्त। ML लाठर के सम्मान में आयोजित हुआ विदाई समारोह। विदाई समारोह को ML लाठर ने किया संबोधित। कहा, आप सभी के सहयोग के लिए शुक्रिया। मैं रिटायर होने के बाद जयपुर में ही रहूंगा। मैं रिटायर जरूर हो रहा हूं, पर आपसे दूर नहीं। मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित। 17 साल से ज्यादा उम्र के युवा मतदाता सूची में करवा सकेंगे पंजीकरण। विशेष योग्यजन के लिए पंजीकरण की विशेष सुविधा है। मतदाता पहचान पत्र से मोबाइल नंबर जोड़ने पर सभी जानकारी मिल सकेगी ऑनलाइन। मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 9 नवंबर 2022 को होगा। दावे एवं आपत्तियां 9 नवंबर से 8 दिसंबर 2022 तक दी जा सकेंगी। मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का पठन एवं सत्यापन 12 नवंबर शनिवार और 26 नवंबर शनिवार को होगा सत्यापन। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 गुरुवार को होगा। सभी मतदाता केंद्रों पर विशेष अभियान 13 नवंबर रविवार को और 27 नवंबर को होगा। राज्य में 310 नए मतदान केंद्र नवसृजित हुए हैं। 1185 मतदान केंद्रों का किया गया है समाहितीकरण, जिसके चलते 875 मतदान केंद्रों की हुई है कमी। पुनः गठन के बाद राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या 51187 हुई। IPS उमेश मिश्रा ने आज संभाली है राजस्थान पुलिस बेड़े की कमान। 35वें DGP के रूप में मिश्रा ने आज संभाली है पुलिस बेड़े की कमान। उमेश मिश्रा ने प्रदेश के नए DGP के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए DGP उमेश मिश्रा और कहा, पुलिस थानों की वर्किंग सुधारने पर रहेगा जोर। आर्थिक अपराधों को कम करने पर भी होगा काम। महिला अपराधों में पहले से कमी आई है। जांच का समय पहले से कम हुआ है। कानून व्यवस्था को सही रखने का पूरा प्रयास होगा। सांप्रदायिक घटनाओं को रोकने पर काम किया जाएगा। समय पर पुलिस कर्मियों की पदोन्नति हो, इसके लिए भी काम किया जाएगा। अब बात करेंगे बर्खास्त मेयर सौम्या गुर्जर से जुड़े मामले। तो हाईकोर्ट ने नहीं लगाई उपचुनाव पर रोक। अब मामले की अगली सुनवाई होगी 7 नवंबर को। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ में यह सुनवाई हुई है। याचिका में नगर निगम ग्रेटर के महापौर पद से हटाने सहित चुनाव लड़ने से अयोग्य करने वाली राज्य सरकार की कार्रवाई को रद्द करने की गुहार की। याचिका के निस्तारित नहीं होने तक वार्ड में उपचुनाव नहीं कराने की लगाई थी गुहार। राज्य सरकार ने 27 सितंबर को कर दिया था सौम्या गुर्जर को बर्खास्त। मेयर पद से बर्खास्तगी के स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किए। प्रदेश में आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने की 2 बड़ी कार्रवाई। बांसवाड़ा में परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी को किया है ट्रैप।
एंटी करप्शन ब्यूरो ने हेमंत पाटीदार को 20,000 रुपए की घूस लेते दबोचा है। वाहन बकाया बिल के भुगतान के एवज में मांगी थी घूस। वहीं राजसमंद के आमेट में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पटवारी को किया ट्रैप। पटवारी जितेंद्र मीणा को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2500 रुपए की घूस लेते दबोचा है। पटवारी ने नामांतरण खोलने के एवज में घूस मांगी। ओवरलोड बजरी परिवहन पर जयपुर आरटीओ की बड़ी कार्रवाई। 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों को किया जयपुर आरटीओ ने जब टॉक रोड पर हुई सबसे अधिक कार्रवाई। डीटीओ प्रवर्तन अनिल सोनी के निर्देशन में 6 उड़न दस्तों ने की कार्रवाई। जयपुर आरटीओ की कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचा है हड़कंप। परिवहन निरीक्षक राजेश चौधरी, रजत माथुर, मुकुंद राठौर और अमित भारद्वाज ने ये कार्रवाई की। करौली के पास सतेवा के मोनी बाबा आश्रम की शरण में अरुण सिंह। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने लिया मोनी बाबा से आशीर्वाद। गुरु गोरक्षनाथ संप्रदाय के प्रखर संत मोनी बाबा से लिखित संवाद भी किया। करीब 24 साल से मौन धारण किया हुआ है बाबा ने। भगवान शिव के 108 से ज्यादा शिवलिंग महाकाली और हनुमान जी मंदिर के दर्शन भी किए अरुण सिंह ने। भाजपा प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा और अन्य नेता भी इस दौरान साथ थे। जयपुर में नए आरटीओ कार्यालय के क्षेत्राधिकार की अधिसूचना जारी। जयपुर के 13 पुलिस थानों का इलाका हुआ जयपुर के नए आरटीओ कार्यालय में शामिल। वैशाली नगर, करणी विहार, चित्रकूट, झोटवाड़ा, करधनी, कालवाड़, मुरलीपुरा, हरमाड़ा, विश्वकर्मा, दौलतपुरा, शास्त्री नगर, विद्याधर नगर, भट्टावस्ती थाने का इलाका नए आरटीओ में शामिल हुआ है। डीटीओ चोमू, डीटीओ कोटपुतली और शाहपुरा नए आरटीओ कार्यालय में शामिल। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला परवान पर है। राजस्थानी लोक संस्कृति कला वेशभूषा की छटा बिखरी हुई है। मेला ग्राउंड स्टेडियम में रोजाना हो रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। आज पद्मश्री सम्मानित गुलाबो देवी कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति। गुलाबों की 3 पीढ़ियां पहली बार एक साथ करेंगी परफॉर्म। 3 बेटियों और 2 पोतियों के साथ देंगी कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति। मेले में प्रस्तुति के लिए जयपुर से भी गया है 20 से ज्यादा कलाकारों का ग्रुप। सैंड आर्ट, देशी और विदेशी खिलाड़ियों का कबड्डी मैच, पतंग प्रतियोगिता, इंटर पंचायत समिति ग्रामीण खेल, रस्साकशी प्रतियोगिता का आयोजन। मनमानी दवाइयां लिखने वाले चिकित्सकों की अब खैर नहीं। निःशुल्क निरोगी योजना के क्रियान्वयन को लेकर एसएमएस अस्पताल प्रशासन की सख्ती। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने सभी एचओडी को किया है पाबंद। सरकार की तरफ से बनाई गई एसेंशियल ड्रग लिस्ट से लिखी जाए दवा। यदि कोई चिकित्सक ईडीएल से बाहर के लिखता है कोई दवा तो ऐसे डॉक्टर्स की तय की जाएगी दवा की उपयोगिता और खरीद को लेकर जिम्मेदारी। साथ ही ऐसी दवाओं को ईडीएल में शामिल कराने की रहेगी चिकित्सक की जिम्मेदारी।